All right. ये हूटिंग मुझे देख के हो रही है, इसको देख के हो रही है. ओके, जोक्स अपार्ट, शिवम वेस्टीज को कब ज्वाइन किया? सर 3.5 साल पहले. 3.5 साल पहले. तब क्या करते थे जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से बीएससी कर रहा था. बीएससी कर रहे थे रामजस कॉलेज से, और किसी ने वेस्टीज के बारे में बताया और पढ़ाई करते करते ही वेस्टीज ज्वाइन कर लिया. 3.5 साल पहले कॉलेज पास आउट हो गया? यस सर. अच्छा, मतलब वेस्टीज के साथ साथ कॉलेज भी पास आउट हो गया. और 3.5 साल में आज इस मंच पे आप ग्राउंड डायरेक्टर, राइट? यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो अनमैरिड है, और वो ऐसे ही हस्बैंड ढूंढ रही हैं. पहला चेक जब कॉलेज में थे कितना का आया था? सर 201, 201 रुपए का. 201 रुपए का. तब क्या लगा था वेस्टीज करना सही है? क्या मतलब क्या थॉट आया था 201 रुपए का जब चेक आया था? सर तब ये था कि जिस काम को करके मेरे पिताजी मेरे दादा को 1 रुपया नहीं आया, मुझे 200 रुपए तो आए. राइट. अच्छा, नेटवर्क जब आप कॉलेज में थे, नेटवर्क अपने कॉलेज के लोगों दोस्तों का बनाया या बाहर जाके लोगों से और बात करने लगे? नेटवर्क किस चीज का बनाना शुरू किया, किन लोगों के साथ जाओ? सर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे जो ये बोलते थे तेरे लिए जान दे देंगे, उन्होंने 1000 रुपए भी नहीं दिए. और शुरू के 10 दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मेरी टीम ना हो. और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज नहीं है जहां पे शिवम की टीम नहीं है. 3.5 साल, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे यंगस्टर, बहुत सारे यंगस्टर बैठे हैं, वो लोग भी ये सोचते होंगे कि वेस्टीज को एज अ कैरियर ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन में होते होंगे, उनके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे बेसिकली, राइट? तो आपके द्वारा एक मैसेज मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया 3.5 साल के समय पहले, अपनी टीम को शुरू करवाया और आज इस मंच पे क्राउन डायरेक्टर, पहले महीने का चेक कितना आया और अभी लास्ट मंच जो हाईएस्ट चेक आपका आया वो कितना आया? सर अभी 3.5 साल में सबसे पहले 1.5 साल ही हुआ था जब मुझे वेस्टीज की बदौलत जाने का मौका मिला दुबई एंड अबू धाबी. पढ़ते पढ़ते विदेश गया, कंपनी की तरफ से दूसरा फॉरेन ट्रिप में अभी पटाया होके आया हूँ. बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जब थाईलैंड गए थे तब भी टीम में 6-7 बच्चे थे, और अभी जब पटाया गए तब 10 बच्चे थे, और वादा है अगले ट्रिप में 50 से ज्यादा बच्चे मेरी टीम से होने वाले हैं, राइट? एंड कंपनी की तरफ से मुझे सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में वेस्टीज एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है. और मैं जब गाड़ी लेने गया, मेरा बर्थडे था, और बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं अपने बर्थडे पे, और मैं जब बर्थडे पे मैंने सोचा कुछ अलग करेंगे, और मैंने अपने आप को 8.5 लाख की नेक्सा बलिनो गिफ्ट करी. बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब मैं लोन लेने गया तो मेरा लोन रिजेक्ट हो गया. कहते आप स्टूडेंट हो, 3 साल की ITR लाओ. मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टीज में नहीं हुए, लाऊ कहां से, 2 साल हुए ले लो. कह रहे नहीं 2 साल पे लोन नहीं मिलेगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, तरीका बताओ. कहते वो आप कर नहीं पाओगे. तो मैंने एक लाइन बोली थी, छोटा बच्चा जान के हमको. एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने उनसे बोला ऑप्शन बताओ, उन्होंने कहा कैश ले लो. मैंने कहा ठीक है, कल मेरी दुल्हन तैयार रखना, दिलवाले आएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे. एंड 8.5 लाख की गाड़ी कैश ली थी मैंने वेस्टीज से पढ़ते पढ़ते, और अभी जो मेरा हाईएस्ट इनकम है पिछले महीने का 1,91,886. वाओ! अब केवल मैं एक लाइन, एक मैसेज चाहूंगा इन यंगस्टर्स के लिए जो वेस्टीज को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं. आज आप जानते हैं कि पढ़ाई की सिचुएशन क्या हो गई है, राइट? सो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि 3 साल वेस्टीज में पढ़ाई कर लीजिए. इस बात का वादा है कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप. सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग आएंगे, हमने दुनिया देखी है, पर वेस्टीज वाले दुनिया देखने नहीं आए, दुनिया को दिखाने आए हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू बाली सर, सिद्धार्थ सर, विवेक सर, मान सर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और मैं वादा कर रहा हूं सर, 2024 तक बाली सर का टारगेट है कि 2 लग्जरी कार बुक लॉन्च करनी है, एक मेल्स की एक फीमेल्स की. सर तीसरी की भी तैयारी कर लीजिए स्टूडेंट्स की, जिसका जिम्मा मैं लेता हूं. तो गुड, एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन. थैंक यू, कम ऑन एवरीबॉडी, गिव हिम अ बिग हैंड, शिवम गोस्वामी, कांग्रेचुलेशंस. वेल, नेक्स्ट क्राउन डायरेक्टर वी हैव गॉट द नेम.